Hello and welcome back to our channel. So we are up with our new video. So new video क्या है? हमने आपको बता ही दिया अभी शुरू में, आपने देख ही लिया होगा कि मैं shopping के लिए गया, बहुत time बाद गया था और बहुत मुश्किल से मेरे को कुछ चीजें मिली, क्योंकि इस video का purpose था कि कम से कम rates में हम किन brand से क्या क्या उठा सकते हैं, तो आपको ये दिखाना था. तो कोशिश की हमने कि कम से कम रेट्स में लिया जाए. ज्यादा कम मुझसे हुआ नहीं तो फिर, क्योंकि वो बहुत ही अजीब से कपड़े लग रहे थे, बट जितना मुझसे हो पाया मैं बताता हूँ आपको. पहले मेरे को मैंने काफी सारे जगह पर ढूंढने के बाद मुझे वेस्ट साइड में एक जीन्स पसंद आई. यार तो इतनी जगह गया और मुझे एक भी पहनी लेके गया अपने साथ. यार तेरी चॉइस फिर पता है ना यार, आप लोगों को देखो वीडियो में जो कपड़े होते हैं वो मेरे ही होते हैं यार. देखो अभी भी आज भी वही है, आप वीडियोस देखोगे ऊपर से नीचे जाके आपको समझ आ जाएगा. इसके पास नहीं है कपड़े यार, ऐसे नहीं ले जा सकता था. तो मैं आपको दिखा दूं, देखो मैंने ये ब्लैक जीन्स ली. देखो मैंने इसकी फुट चुप कर मैंने इसकी टी शर्ट पहनी है, मैं मानती हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है लड़कों को कपड़े पहनना. और वो लड़का मैं ही हूँ जिसके कपड़े पहनती हूँ. अब देखो मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे को बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए मुझे इसके पहनने पड़ते हैं. और तो ये जीन्स मैंने ली वेस्टसाइड से, ब्लैक कलर. मेरे पास बहुत टाइम से ब्लैक जीन्स नहीं थी और मुझे काफी अच्छा शेड लग रहा था. ये थोड़ा लाइट जा रहा है मिडल से और काफी अच्छा है नीचे डार्क है थोड़ा. तो ये जीन्स कंफर्टेबल भी काफी है, मैंने जब पहनी थी काफी स्ट्रेचेबल सी, मतलब आप ये थी हमारी कैरेट फिट थी और काफी अच्छा फिट था इसका. मतलब मैंने ब्लैक जीन्स पहनी छोड़ दी है तो अभी ये लेके आ गया. मेरे पास बहुत टाइम बाद आया यार ब्लैक कलर. मैं और इसने ऐसा कुछ नहीं इसने छोड़ा है, अभी दिख जाएगी दो चार. इसके साथ मैंने वेस्ट साइड से एक और पोलो उठाई साउथ एक्स से, ये मुझे कलर पसंद आया था, ये काफी अच्छा कलर लग रहा है मुझे, तो मुझे देखते ही काफी पसंद आ गया. और सिंपल सोबर और मैंने सोचा नहीं लेकिन मैं इसको मैं समझ गया क्या बोलना चाहती है, कुछ टाइम बाद ये पहनेगी बट ये मैं इसे नहीं दूंगा क्योंकि मैं अपने कपड़े शेयर करना. तो ये क्यों दिया वो यार वीडियो के लिए दे दिया बट ये नहीं दूंगा. ऐसा कुछ नहीं, जो कपड़ा मेरे दिल के ज्यादा करीब होता है ना वो मैं किसी को नहीं जरूर दिखूंगी मैं ये पहने हुए. अरे ओ छोड़. तो ये मेरे को काफी पसंद आई थी, ये मैं इसे नहीं देने वाला कुछ भी हो जाए. कपड़े ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं जरूरत है, तो मैं इसे कतई नहीं देने वाला. ये बड़ी प्यारी सी लगी थी मुझे पोलो, गर्मी आ रही है तो मुझे लगा चाहिए मुझे. और ये भी काफी सस्ती मिली मुझे 700 ओनली. तो वेस्ट साइड से मुझे इतना ही दो ही चीजें मिल पाई. मुझे एक दो चीजें और पसंद आई थी बट वो इतनी ज्यादा खास नहीं थी और उनके प्राइस बहुत ज्यादा थी. फिर उसके बाद मैं गया ब्रांड फैक्ट्री. ब्रांड फैक्ट्री में हमने कम से कम, रुक जाना मैं दिखा रहा हूँ, तो ब्रांड फैक्ट्री में हमने कम से कम एक डेढ़ घंटा ढूंढने में लगाया. बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारे शूज थे, मुझे शूज भी लेने थे और उनके ऑफर चल रहे हैं इस टाइम पे. आई गेस दोबारा ऑफर आ गया है, ये हमने वीडियो दो तीन दिन पहले शूट किया, अभी दोबारा मतलब कपड़े हम दो तीन दिन पहले लाए, अभी दोबारा एक और ऑफर आ गया है 31 मार्च तक. आई गेस 50% ऑफ फिर से चल रहा है वहां पर. तो हमने बहुत ढूंढा, उसके बाद मुझे एक शूज पसंद आया. देखो मैं आपको एक सिनेरियो बता दूं, ब्रांड फैक्ट्री में आपको मिल जाएगा, बहुत सस्ता भी मिल जाएगा, बहुत अच्छा भी मिल जाएगा, लेकिन वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम जो मुझे हुई मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. ताकि और मेरा फ्रेंड था तो उसने मुझे सजेस्ट किया, मैंने ऑब्वियसली इससे भी पूछा कि कौन सा सही लग रहा है, तो इसने भी मुझे यही सजेस्ट किया और मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, बट इन दोनों की एडवाइस के बाद मैंने इसी को पिक किया. और काफी कंफर्टेबल है, काफी लाइट वेट है और मतलब मुझे तो व्हाइट स्नीकर्स बहुत पसंद है, मुझे भी लेने हैं, मेरे को दिला दे. तो इसका प्राइस था, एक फिर मेरी बात इग्नोर कर यार, इसको मैं दिला दूंगा, इग्नोर हो जाता है, मैं बिजी हूँ. बहुत टाइम से वेट कर रहा था नए शूज के लिए और इतने सस्ते में मिल जाए अच्छे से शूज तो काफी मुश्किल हो जाता है मिलना. तो मैंने फटाफट इसे उठाया. इसके बाद हम गए जीन्स वगैरह कुछ टी शर्ट्स देखने, तो हमें दो तीन जीन्स पसंद आई बट उसमें से मैंने ये वाली पिक की. ये थोड़ा ब्लूइश शेड है, डार्क सा है ये. और मुझे रग जीन्स बहुत पसंद है तो मैंने एक रग और उठा लिया. मेरे पास मोस्ट ऑफ द जीन्स सारी रग है तो ये काफी अच्छी लगी. ये भी लोकोमोटिव ही है, दोनों लोकोमोटिव है, शूज भी और ये जीन्स भी. तो इस जीन्स का प्राइस था आई गेस इसमें टैग है 1649. अब 1649 की जो जीन्स थी ये हमें मिल रही थी 1200 आई गेस, हाँ 1200 में मिल रही थी. बट वहां पे हमने एक और टैग देखा जिसमें लिखा था कि अगर आप लोकोमोटिव की एक जीन्स ले रहे हैं और एक शूज ले रहे हैं जिनका प्राइस कुछ प्राइस रेंजेस थी जो कि इसमें मैच कर रही थी, तो ये जो 1000 वाला शूज है और ये जो 1200 वाली जीन्स है ये दोनों कंबाइन करके 2000 में मुझे पड़ रहा था. और मतलब इन दोनों का प्राइस 2000 हो जा रहा था तो मैंने इन दोनों को उठा लिया. अब ऑफर में भी ऑफर
बट लास्ट में जो हमें प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि ब्रांड फैक्ट्री के जो स्टाफ था इतने ऑफर्स की वजह से कह लो या किसी और वजह से कह लो वो उनमें इतनी कंफ्यूजन थी, उन्हें पता ही नहीं था कि किस चीज पे क्या ऑफर चल रहा है। कैशियर वो कहता है इस पे अवेलेबल नहीं है ऑफर। हमने कहा सर ऊपर लगा हुआ है टैग जो आपने लगा है। तो उन्होंने अपने ब्रांड मैनेजर को वहां से बुलाया, कम से कम 4-5 लोगों को बुलाया बार बार एक एक दो दो करके। वो लोग आके कहते थे कि ऑफर है, काफी परेशान हो गए थे, मतलब और भी कस्टमर परेशान हो रहे थे। तो मुझे लगा यार ब्रांड फैक्ट्री का मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो ऑफर तो मुझे अच्छे मिले, ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगा कि मुझे सस्ते में चीजें मिल गई, बट जो सर्विस थी उनकी वो मुझे पसंद नहीं आई पर्सनली, क्योंकि वहां पे 2-3 और कस्टमर थे जो सेम चीजों से परेशान हो गए और वो बता भी नहीं पा रहे थे। कंफ्यूजन इतना क्रिएट हुआ था उन सारे स्टाफ में, एक जना कुछ कहता है एक जना कुछ कहता है, ब्रांड मैनेजर भी कौन सी ब्रांच में गया था वो भी नहीं पता। तो जो स्टोर मैनेजर था वो भी इतना ज्यादा कंफ्यूज था, बट बाद में बात हो गई, काफी लेट हो गया था, मैं 10:30 आई गेस, स्टोर भी बंद हो चुका था, सारा स्टाफ बाहर जाने के लिए लाइन लगा के खड़ा था, तब हम लोग बाहर निकले। ऑल इन ऑल परेशान हुए, लेकिन अच्छी बात ये थी कि हमें सस्ते में 2000 में ये दो चीजें मिल गई और आप कलर देख सकते हैं दोनों का इतना परफेक्ट जाएगा जब टी शर्ट इस पे आएगी, बहुत ही अच्छा कूल सा मुझे भी चाहिए यार ऐसे स्नीकर्स। तो इसकी तो शॉपिंग हो चुकी है, अब यार समर्स आ गए और मेरा भी मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सा अपना शॉपिंग को और करनी है, क्योंकि शॉपिंग से मेरा दिल नहीं भरता। सेम टाइम पे मैं इतनी शॉपिंग करता था, इतनी शॉपिंग करता था। अब हमारा पता क्या हो रहा है, हम सारा खाना ना अपने खाने में लगा रहे हैं, सॉरी पैसा खाने में, सारा पैसा ना अपने खाने में लगा रहे हैं, खाना ट्रैवलिंग इस चीजों में। और यार प्लीज इसी बात को देख के सपोर्ट करो हमें, क्योंकि हमें जरूरत है आपके सपोर्ट की। जब आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी पूरी वीडियोस हमारी देखो आप, और सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो वीडियोस, इंटरेक्शन दिखाओ यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और अगर आगे भी अगर हम शॉपिंग करते हैं तो हम जरूर आपके साथ आगे शेयर करेंगे। बाकी हमें याद है कुछ लोगों को हमारा हेयर कट वीडियो देखना है कि हाँ कैसे लेना है, वो सब करने वाले हैं हम आपके, बस बाल थोड़े से बढ़ जाएं क्योंकि हमने दोबारा से ध्यान नहीं दिया इसलिए सॉरी उसके लिए, बट आगे हम ध्यान रखेंगे, हर चीज आपसे शेयर करेंगे। सो प्लीज सपोर्ट अस। मुझे लग नहीं रहा था पता है कि हेयर कट के लिए इतना, लाइक मुझे इतना खुशी भी हो रही थी कि यार चलो देख रहे हैं लोग, तो हमें लगा क्यों ना शॉपिंग हॉल भी एक बार दिखाई दे हम आप लोगों को, अच्छा लगेगा। सो बाय एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।